हरिओम नमस्ते, मैं हूँ अनीशा वीरा चौधरी और मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि मेरे अनिरुद्ध बापू जो हैं उनकी वजह से, उन्होंने मेरी सुरक्षा की एक बहुत ही भयानक अनुभव से, जैसे 26/11/2008 जहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था इस जगह में, लियोपोल्ड कैफ़े जो कुलाबा में सिचुएटेड है, जो कुलाबा में है। तो मेरी जो एक फ्रेंड है करिश्मा, उनकी बर्थडे थी तो हम सेलिब्रेट करने, वो मनाने, उनका बर्थडे जो है वो मनाने हम लियोपोल्ड कैफ़े गए थे। और सेकंड फ्लोर पे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो करिश्मा के लिए, बर्थडे गर्ल के लिए रुके हुए थे। और तभी वो जब आ गई तो हमने छोटे से टेबल से शिफ्ट करके बड़े से टेबल के यहाँ पे गया। मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि इसका कुछ रिलेशन है उसके साथ, सो इसलिए वहाँ पे हम रुके हुए थे। एंड सडनली अराउंड 9:15-9:20 के यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी चीख जैसी आवाज़ सुनी थी और हम तीनों आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्यों हो गया, ये आवाज़ ऐसे क्यों आई है। पर हमें पता नहीं चल रहा था कि ये बर्थडे पार्टी के बीच ये आवाज़ क्यों आई। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद एक शूटिंग की आवाज़ आ गई और एक से एक बढ़ के ज़्यादा लोग चिल्लाने लगे थे। लड़कियां थे, लड़के थे, बहुत लोग चिल्ला रहे थे और बहुत ऐसी उद्दम मची थी नीचे। और हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तभी मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि बापू आप कहाँ पे भी हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, पर आप यहाँ से, यहाँ पे प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। तभी हमने और एक चीख सुनी और एक जो लड़का था वो ये सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे हम बैठे हुए थे वहाँ पे दौड़ने लगा। और तभी मैंने देखा कि एक खूंखार आदमी जो था वो एक बड़ी सी छुरी लेके उसके पीठ पे उसने बहुत ऐसे खंजर मारे और वो लड़का गड़गड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गया क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे थे। और तभी मैंने अपने, मैं बहुत घबराई हुई थी और मेरे फ्रेंड, दो फ्रेंड भी थे, एक बर्थडे गर्ल और मेरी जो बहुत ख़ास सहेली है वो भी, हम तीनों बहुत डर गए थे। तो हम टेबल के नीचे छुप गए और मैंने सोचा अपने दिमाग में कि दत्तगुरु बापू राया आप जहाँ पे भी हो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों लोग ऐसे मर रहे हैं मेरे सामने, ये बुलेट्स जो है, ये गोलियां जो है यहाँ पे सबको लग रही है, खून दिख रहा है, लोग मर रहे हैं मेरे सामने। मुझे एक्चुअली 2-3 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब हम वहाँ पे छुपे हुए थे और हम सोच रहे थे अभी क्या होने वाला है, क्या हम आज मरने वाले हैं, क्या भगवान जो है, दत्तगुरु जो है हमारे, मेरे बापू जो है वो यहाँ पे आके हमें बचाएंगे। और फिर जो छोटे टेबल पे हम बैठे थे उसी टेबल पे एक लड़का और लड़की जो कपल थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्हें ऐसे जुब जुब की तरह 2 बुलेट्स लग गई, 2 जो गोलियाँ थी वो लग गई। लड़की जो थी बेचारी उसको पैर पे लगा था वो वहीं पे ही घायल होके मर गई और जो लड़का था वो तड़प तड़प के वहाँ पे मर रहा था। तभी मैंने जो ये लॉकेट पहनती हो जो मेरी तावीज़ जैसे है मैंने वो ये निकाल लिया, इस पे मेरे बापू है और एक हरिओम है, मैंने ये कस के पकड़ लिया अपने हाथ में और मैंने बापू को अपने मन से, अपने दिल से उनको बुलाया, उनसे बात की, उनसे डांट के बोला कि बापू आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ, आपने अभी तक मुझे कभी किसी ही सिचुएशन में या किसी ही स्थिति में मुझे छोड़ा नहीं है, तो आज क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप कहाँ पे हो, आप आ जाओ, हमें सबको आपकी बहुत ज़्यादा अभी आज इसी वक्त ज़रूरत है। और तभी मैं अपने दिमाग में जो मेरा बहुत चाहिदा मंत्र है, दत्तमाला मंत्र, ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, जो मंत्र लोग बोलते हैं भूत पिशाच भगाने के लिए, जो बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो मैं अपने दिमाग में सतत बोलने लगी। और तभी मैंने देखा कि वो लड़का जो हम जहाँ पे बैठे थे, जो सेम टेबल पे हम जहाँ पे बैठे थे
उसी टेबल पे जो लड़का बैठा था वो घायल होके वहाँ पे तड़प तड़प के मर रहा था। तो दो जो इंसान थे वहाँ पे, मुझे लगता है बापू ने ही उनको भेजा था, वो मुझे आके पूछ रहे थे कि क्या हम जाके उस लड़के को बचा सकते हैं। तब मैंने सोचा कि बापू है मेरे साथ, मैं जाके उसको बचाऊंगी। तो हम तीनों जाके वहाँ पे उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश में लगे थे। और तभी ये टेररिस्ट जो था, आतंकवादी था, वो ऊपर आके ऐसे उसने वापस अपने बंदूक से ये गोलियां जो थी वो सब पे बौछार कर दिया। ऐसे लगा था कि बारिश हो रही थी वहाँ पे गोलियों की, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं वहाँ पे स्तब्ध हो गई थी। और मुझे यही दिमाग में था कि बापू है मेरे साथ, और दूसरे हाथ से मैं वो लड़की को बचाने की कोशिश कर रही थी दोनों लड़कों के साथ। तभी हमने उसको थोड़ा सा उठाया, उसको बाजू में करने की कोशिश की, तभी भी ऐसे जो गोलियां थी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आंखों देखो हाल है ये, वो ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइक लग रही थी, वो जो पीछे की जो दीवारें थी उस पे ऐसे लग रही थी गोलियां। और मैं सोच रही थी कि वहाँ पे मुझे कैसी नहीं लग रही है ये गोली। तभी मुझे समझ में आया कि बापू जो है ये मेरे, वो एक सुरक्षा कवच की तरह मुझे ऐसे अपने हाथों में दत्तगुरु के साथ मुझे उन्होंने महफूज रखा था, मुझे उन्होंने बहुत महफूज रख के मुझे कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे। मैं सिर्फ देख रही कि लोग मेरे सामने मर रहे थे, जान जा रही थी, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर हम वापस गए और उस टेबल के नीचे छुप गए थे कि ये जो भयानक अनुभव है वो कब ख़त्म हो जाएगा। तभी मैंने बापू से बात की कि बापू आपको अभी इसी वक्त यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तभी मुझे लगा कि नहीं, बापू आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीखें जो थी वो कम हो गई, गोलियाँ जो थी वो कम हो गई, किसी को लग नहीं रही थी, ये टेररिस्ट जो थे वो वापस जा रहे थे, और सब वापस जो था वो वैसे ही हो गया। और मुझे तभी लगा कि नहीं, बापू आ गए हैं और ये सब जो टेररिस्ट थे वो अभी यहाँ से निकल गए हैं, और जो लोग ऊपर मेरी तरह छुपे हुए थे, डर गए थे, उनको भी कुछ हुआ नहीं था, वो भी सेफ थे, वो महफूज थे, उनको वो प्रोटेक्टेड थे। जैसे बापू हमें प्रोटेक्ट करते हैं वैसे सब प्रोटेक्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने बापू को बुलाया और बापू मुझसे इतना प्यार करते कि वो एक्चुअली इस जगह में मुझे बचाने के लिए आ गए थे। वो वहाँ पे उनका अवतार था, वो मुझे दिख नहीं रहे थे, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, मेरे बापू है, नहीं, मेरे दत्तगुरु वहाँ पे मुझे बचाने के लिए हैं। तो ये मेरा अनुभव है, बापू ने मुझे इस भयानक अनुभव से, भयानक सिचुएशन से, भयानक स्थिति से मुझे बचाया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आपके सामने आज ये अनुभव बताने के लिए बैठी हुई नहीं, मैं बैठ नहीं सकती थी आपको ये बताने के लिए, अगर मेरे बापू ने मुझे बचाया नहीं होता। वो मेरे और टेररिस्ट के सामने एक दीवार जैसे खड़ी की थी उन्होंने, इसलिए मैं यहाँ पे महफूज हूँ आपके सामने। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बापू राया जो है वो मेरे साथ सभी टाइम होते हैं, वेदर इट्स डे और नाइट, माय बापू इज़ ऑलवेज विथ मी। मैं बहुत खुश हूँ इसकी वजह से। थैंक यू। हरिओम।